जॉब के लिए सबसे ज्यादा क्रेज बैंकिंग सेक्टर में है और लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हर एक साल फॉर्म फिल करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। आज मैं आप लोगों का केस एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सबको आज बात करना है द डेस्टिनी ऑफ एसबीआई पीओ 2020। थोड़ा सा हम लोग व्यू ले लेंगे इसके नोटिफिकेशन पे, इसके एलिजिबिलिटी, सैलरी और सिलेबस पे लेके कि आपका मेंस एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक क्या प्रोसेस होता है और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं एक अटेम्प्ट में। इट मींस दैट हाउ यू बिकम अ एसबीआई पीओ 2020। क्या आपको पता है जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आता है और उसके वैकेंसीज में, मतलब आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका उसमें सेलेक्शन का चांस 0.2% रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका आईबीपीएस का डाटा बताता है। क्या आपको पता है कि एसबीआई में कितना अटेम्प्ट आपको मिलता है? क्या आपको पता है कि एसबीआई में क्या कट ऑफ जाता है, किस तरीके से आपको इसका पढ़ाई करना है, दैट व्हाट द स्टडी मटेरियल यू शुड ऑप्ट, हाउ टू स्टडी दैट मटेरियल, फॉर्म भरने से लेकर, एग्जाम से लेकर, इंटरव्यू से लेकर फाइनल सेलेक्शन तक क्या प्रोसेस होता है एसबीआई में, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि आप एक पीओ बनकर टॉप मैनेजरियल लेवल तक पहुंच सकते हैं? चलिए मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में इन्हीं चीजों पर बात करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। एसबीआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्द अब आ जाएगा आप लोगों के सामने और इसका एग्जाम भी हो जाएगा। जो मेन एक डिफरेंस होता है बैंकिंग सेक्टर में और अदर्स एग्जाम में, लाइक एसएससी को आप अगर कंपेयर कर सकते हैं, तो बस एक मेन डिफरेंस होता है कि आपको प्री के बाद जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है। मतलब प्री के तुरंत बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है, लेकिन आप किसी अदर सेक्टर में ये देखें तो नहीं होता है। मतलब एसबीआई में सिलेक्शन का चांस तब आपका बनता है जब आपका प्री और मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, मतलब आप मेंस के लिए ऑलवेज अगर प्रिपेयर हो तो। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में बच्चे इसीलिए कूदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा और होता भी है। आपको पता है लगभग 1.5 करोड़ बच्चे ये फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से आपका सिलेक्शन होना, मतलब 0.2% आपका सिलेक्शन का चांस होता है। आप उन सभी बच्चों को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं 0.2% में सिलेक्शन लेकर, तो एसबीआई इज नॉट सो मच इजी। आप एसएससी में अगर जाकर देखें तो एसएससी का आपका प्री का जो एग्जाम होता है और फिर फाइनली आपका जो मेंस का एग्जाम होता है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप देखें तो टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है और एसबीआई पीओ तब आप क्रैक कर सकते हैं जब आपका प्री के बाद या प्री के टाइम में ही आपका मेंस का प्रिपरेशन का लेवल हो, क्योंकि आपको प्री के बाद जो मेंस का टाइमिंग होता है उन दोनों में बहुत कम गैप होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके एग्जाम के बारे में बता देता हूं। एग्जाम जो आपका प्री और मेंस में होता है, इन दोनों में आप फाइनल सेलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू तक जाते हैं और इंटरव्यू अगर आपका क्लियर होता है तो ही आपका फाइनल सेलेक्शन होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल उठता है कि अगर मैं एसबीआई पीओ आज क्लियर कर लेता हूं तो मेरा जो प्रमोशन का पोर्शन है, जो प्रमोशन होता है बैंकिंग में, क्या मैं किस हद तक पहुंच सकता हूं, मेरा प्रमोशन मुझे कहां तक ले जा सकता है? आपको पता है जो रजनीश जी हैं, जो रजनीश कुमार हैं, इन्होंने पीओ का एग्जाम क्लियर किया था और पीओ के एग्जाम के बाद ही आज ये एसबीआई में चेयरमैन हैं। मतलब आप एक पीओ बनकर भी चेयरमैन बन सकते हैं। दैट्स इट, यही है प्रमोशन का लेवल एसबीआई के पीओ में। अब आप रुके होंगे कि एसबीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा। एसबीआई जब नोटिफिकेशन निकालेगी तब मैं अपना प्रिपरेशन चालू करूंगा, तब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका डेस्टिनी एसबीआई पीओ है और अगर आपको खुद पर बिलीव है तो डेफिनेटली आज से और अभी से ही अपना बैंकिंग में
जोड़ लगा दीजिए और जो SBI PO का नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप इन चीज़ों पर कूद जाइए, आज से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आज से SBI PO का नोटिफिकेशन देखना बंद कीजिए और उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है SBI में सिलेक्शन लेना। और SBI में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो बैंकिंग सेक्टर में जो आने का एक मतलब आप जो आना चाहते थे बैंकिंग सेक्टर में, ये आपका सफल हो जाएगा। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो आप इतना बस समझ लीजिए कि 20-30 के बीच में होता है। आप 20 साल के बाद 30 साल तक इसमें एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन इसमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए आपको बस ग्रेजुएट होना है। मेन इसमें करना क्या है कि आपको इस दरवाजे तक आना है और इसके अंदर घुसना है, इसके अंदर जाना है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको SBI PO क्लियर करना होगा। और आपका अगर SBI PO डेस्टिनी है तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक एंटर करने के लिए आपको कुछ और नहीं, आपका हार्ड वर्क और आपका स्मार्ट वर्क चाहिए। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपका प्री मेंस और इंटरव्यू पे बात करता हूं। जो आपका प्री का एग्जाम होता है ये नथिंग बट योर टाइम मैनेजमेंट होता है। जो मेंस का एग्जाम होता है दिस इज नथिंग बट योर द कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कितना अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे। और इंटरव्यू इज नथिंग बट योर कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा है, आप किस तरीके से किसी चीज को हैंडल करते हैं या फिर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके पे स्केल के बारे में बताता हूं। जो SBI PO का पे स्केल होता है वो लगभग 32,000 से लेके 42,000 तक होता है। मतलब आपको 32,000 रुपए से लेकर 42,000 रुपए तक आपका सैलरी स्टार्ट होता है। अब मैं आप लोगों का एक कमेंट लेता हूं, जो मुझे कमेंट आपके बहुत तरीके से आता है, आपका जो कमेंट मुझे बहुत तरीके से देखने को मिलता है, ये होता है कि SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो आप बस खुद पे बिलीव रखिए और जो SBI का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पे बिलीव रखिए, SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा। और एक खुशखबरी ये है कि जो SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा वो काफ़ी अधिक वैकेंसीज के साथ आएगा, मतलब जो आपका वैकेंसीज है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगा इस बार। तो अगर आप मोटिवेट हैं और अगर आपका प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी अच्छा है तो डेफिनेटली आप ये क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको बस करना इतना होगा कि आपको डेली हार्डवर्क करना होगा, डेली प्री और मेंस के लिए फोकस करना होगा, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो लगभग प्री और मेंस ही क्लियर कर देता है। इंटरव्यू इज नथिंग बट योर कॉन्सेप्ट एंड योर कॉन्फिडेंस, आप कितना अधिक कॉन्फिडेंट हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका PO का नोटिफिकेशन आएगा और जल्द आएगा, और जब आप इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे तो डेफिनेटली आप और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होता है कि प्री कैसे क्लियर करें और मेंस कैसे क्लियर करें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, प्री क्लियर करने का बस एक ही आपका मोटो होता है या फिर एक आपका फंडा होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आप कितना जल्दी किसी क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, जो आपका टाइम है, टाइम टेकिंग ऑफ एनी क्वेश्चंस, ये डिपेंड करता है कि आपका प्री क्लियर करा देगा। मेंस में होता क्या है कि आपका यही चीज एक ब्रॉडर वे में पूछा जाता है, लेकिन मेंस में आपको घबराना नहीं है। होता बस इतना है कि क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है। अगर टफ है तो डेफिनेटली वो सबके लिए टफ है, राइट? मतलब प्री के लिए फोकस इतना करना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, और मेंस के लिए फोकस इतना करना है कि आपको ब्रॉडर वे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फाइनल आपके हाथ में इंटरव्यू रहता है, जो आपके हाथ में है, बल्कि इंटरव्यूअर के हाथ में नहीं, आपका कॉन्फिडेंस वो देखते हैं। अब जो मैं फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PO का नोटिफिकेशन वो डैम्स योर आएगा और हर एक साल आएगा और ज्यादा वैकेंसीज के साथ आएगा। बस इस नोटिफिकेशन को आने का आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये इंतजार करते हैं तो डेफिनेटली आप टाइम लूज कर रहे हैं, और आपको टाइम किल नहीं करना है बल्कि टाइम सेव करना है। आप जितना जल्दी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, फोकस करें कि दैट SBI PO 2020 इज योर्स, आपका ही ये SBI PO 2020 है।
प्री और मेंस के सिलेबस को बिल्कुल आपको गो थ्रू करना है और फाइनली हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको पढ़ना है। बाकी एग्जाम क्लियर करना आपके हाथ में है। एक बात और याद रखिएगा कि प्री और मेंस के बीच में टाइम बिल्कुल कम होता है। मतलब आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि प्री मुझे क्लियर करना है फिर मैं मेंस को देखूंगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको करना ये है कि प्री के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। प्री आते ही आपका मेंस में हाथ लग जाना चाहिए। जिस दिन आप प्री देकर आए उस दिन से आपको मेंस के लिए मॉक टेस्ट, मेंस के लिए जो भी पोर्शन है वो स्टार्ट कर देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये भी बोल रहा हूं कि मेंस के लिए तब क्यों, आज से आपको मेंस के लिए पढ़ाई करना होगा। आपको पता है पीओ मेंस के लिए जो एसबीआई पीओ मेंस है इसमें लगभग आप लास्ट 6 मंथ्स का जीए बहुत अच्छा रखें। जीए के साथ साथ आपको जीके अच्छा रखना होगा, आप तभी जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक फायदा इसका यह भी दिखता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहां पर अगर आपसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस अगर आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तो यही जीके बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही जीके बन जाता है। बस इससे ज्यादा मैं और आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहता हूं। बस आपको यह देखना है कि ये 1.5 करोड़ जो फॉर्म फिल होता है इसमें आपका नाम कैसे आ जाए, ये 0.2% चांस जो होता है क्लियर करने का इसमें आप कैसे आ जाएं, आपका सिलेक्शन कैसे हो जाए, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं, आप किस तरीके से अटेम्प्ट लेते हैं। जहां तक SBI PO प्री क्लियर करने के बाद जब आप मेंस में अटेम्प्ट लेते हैं तो वो अटेम्प्ट आपका काउंट होता है, आपका प्री का अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। इसीलिए आपको वॉरी नहीं करना है कि आपने कितना बार प्री दिया है। मे बी आपका इस बार प्री और मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अटेम्प्ट सोचना नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं देखना है, आज और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। SBI PO 2020 में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। इसको क्रैक करने के लिए आपको जो भी पढ़ना है आपको करना होगा, आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो आपको करना होगा। तो लग जाइए, जो भी टॉपिक क्लियर करना है अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे और जो आप लोगों का SBI PO से रिलेटेड क्वेरी था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो क्या आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, आज से और अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा KS एजुकेशनल को। KS एजुकेशनल पे जो भी आपको रीजनिंग का पोर्शन दिख रहा होगा वो सभी के सभी क्वेश्चंस को बना जाइए। जनरल अवेयरनेस, जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस है इसको क्लियर कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसे शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। लाइक कर दीजिएगा अगर बेनिफिट मिल रहा है तो। मैं आप लोगों को जो यहां पर बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करता हूं ये एक्चुअल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को बना जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग कुछ अच्छे सेशंस के साथ वापस मिलते हैं।